देश में चुनावों का दौर चल रहा है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों की चर्चा तेज है। आइए जानते हैं कि जनता की आगामी निगम सरकार से क्या मांग है और आगामी प्रत्याशी जनता की मांगों को कैसे पूरा करने में जुटे हैं। जनता आपसे आपके अपकमिंग प्लान्स जानना चाह रही है कि आप आगे क्या क्या करने वाले हैं, अगर आपको आपकी पार्टी की तरफ से समर्थन मिलता है। मैं भाई सावेद चौड़े विधानसभा से वार्ड 42 से, और सबसे पहले मैं अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, मेरे बड़े आए छोटे आए, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ बुला के मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आम जनता के लिए इतना काम करना चाहता हूँ जो मैं काम करने के लिए हमेशा हमेशा खड़ा हूँ। मैंने यहाँ आके लोगों को मकान, जब लोगों के मकान बनने थे उनके बीच में आके मैंने मकान टूटने से बचाए, और आम जनता के लिए और लेडीज़ों के लिए मैंने इतनी सुविधा करी है। मैंने अभी 11 लड़कियों की शादी करवाई थी वार्ड 42 के अंदर, और मैं आगे भी समाज सेवी करना चाहता हूँ। सावेद भाई को आप अगर पार्टी सपोर्ट करती है तो आप उनको कैसे, आप कैसे सपोर्ट करोगे? सावेद भाई को अगर टिकट देती है पार्टी तो सावेद भाई को बढ़िया से बहुत मैं मतलब जीत होगी। हर पब्लिक जो है सावेद भाई को चाह रही है। सावेद भाई ने काम करा है, यहाँ पब्लिक डील में रहे हैं और कई लड़कियों की, राण बेवा विधवा लोगों की शादी करवाई है, मतलब लड़कियों की। तो सावेद भाई पब्लिक के बीच रहने वाले बंदे हैं, बढ़िया काम करने वाले हैं, और केसरीवाल ने भी बहुत बढ़िया काम करा है। उस बेस पर आम पार्टी को वोट बहुत अच्छा मिलेगा और हम भी वोट दिलाएंगे जितना हमारे संपर्क में है। बाकी पब्लिक हो आम आदमी पार्टी को चाहती है। सावेद भाई कामयाबी मिलेगी, सावेद भाई की सीट कामयाब होगी। अगर सावेद भाई को यहाँ से आम आदमी की तरफ से टिकट मिलता है तो हम कोशिश करके सावेद भाई की तरफ से बहुत जान और दिल से बहुत खुशी से सावेद भाई को जिताना चाहते हैं। जितना हमारे संपर्क में जितना वोट हैं हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे दोस्त यार के, और जितने वोट हमसे हो सकेगा हम कोशिश करें सावेद भाई को जिताना चाहते हैं। सावेद भाई हमारे बहुत मेहनती आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है, उनका विकास यहाँ बहुत फुल बहुमत से होना चाहिए। सावेद भाई जिंदाबाद। मैं ये चाहूँगा सबसे नंबर वन पे सावेद भाई एक नंबर का आदमी है और वो समाज सेवी के लिए बेहतरीन आदमी है, और आम आदमी को एक बार उन्हें सेवा का मौका देना चाहिए। वो यहाँ के बेहतरीन आदमी है, एक नंबर वन आदमी है। पार्टी ने सावेद भाई को चुना है, पूरी कॉलोनी, पूरा एरिया, वार्ड नंबर 42 बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे। सावेद भाई जनसेवी हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ मेहनत करते हैं और लोगों को पहचानते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, और सबकी उम्मीद यही है कि सावेद भाई का टिकट मिलता है तो बहुत बढ़िया काम करेंगे यहाँ। भाई हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, किसी भी मदद के लिए आधी रात को तैयार रहते हैं और पूरे अपने वार्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कोई भी गरीब की हर समय मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो सावेद भाई को टिकट रिक्वेस्ट है कि टिकट जरूर से जरूर मिलना चाहिए। सावेद भाई, सावेद भाई सावेद भाई हमारे जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और जितना हमने किसी अन्य नेता को नहीं देखा है जितना हमने इनको अपने पास पाया है। हमेशा जितनी समस्या जो हमारी 42 वार्ड की है इन्होंने सुनी है, समझी है, लोगों की मदद भी करी है। जितना इन्होंने हमारा साथ दिया शायद किसी और ने साथ दिया हो। हम ये चाहेंगे भविष्य में आने वाला 42 वार्ड से हमारा नेता सिर्फ सावेद भाई हो। पार्टी से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे भाई को इस बार थोड़ी मेहनत का मौका दें। सावेद भाई, सावेद भाई। सब्सक्राइब करें उन्नत केसरी यूट्यूब चैनल और पाए ताज़ा अपडेट रोजाना।